सो यो गेमर्स, तो क्या हाल चाल है। और गाइज, मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि गाइज आपको जो अनलिमिटेड कस्टम कार्ड को कैसे बनाना है। एंड गाइज, जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो मुझे 2 घंटों के लिए यहाँ पे अनलिमिटेड कस्टम कार्ड मिला हुआ है। और गाइज आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे जो मैं इसको क्लेम कर लिया, तो यहाँ पे टाइमिंग भी यहाँ पे चलना स्टार्ट हो चुका है। तो गाइज अगर आप लोग जो अभी तक अनलिमिटेड कस्टम कार्ड को क्लेम नहीं किए हो, तो सिंपली आपको क्या करना है, वीडियो को देखते रहना, मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और मैं भाई लोग, अगर आप लोग कस्टम बनाने, मतलब आप लोगों को कस्टम बनाने आता ही नहीं है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जो देखना। एंड गाइस, आप लोग जो 1 मिनट के अंदर में सीख लोगे कि कस्टम कार्ड कैसे अनलिमिटेड बनाता है, कैसे अनलिमिटेड वॉल का सेटिंग करता है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि गाइस आपको जो 2 घंटे के लिए अनलिमिटेड कस्टम कार्ड कैसे मिलेगा। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे इवेंट में क्लिक करना है, फिर 5th एनिवर्सरी पाना है, फिर आपको यहाँ पे मतलब दूसरे नंबर पे आ जाएगा अनलिमिटेड कस्टम कार्ड क्लेम करने के लिए। मतलब भाई लोग, अगर आप जो अपने फ्रेंडों के साथ 1 मैच खेले तो आपको यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्लेम करने के आ जाएगा। मैं यहाँ पे क्लेम कर लिया हूँ, इसीलिए यहाँ से हट गया है। तो कोई नहीं, एंड गाइस आप लोग सिंपली यहाँ पे आके क्लेम कर लेना, क्योंकि आज 20 तारीख था, तो आपको जो आज अनलिमिटेड कस्टम का 2 घंटे के लिए मिला हुआ है। लेकिन गाइस 27 तारीख को यहाँ पे जो पीक डे गाइस, उस दिन आप लोगों को यहाँ पे 6 घंटे के लिए अनलिमिटेड कस्टम कार्ड मिलने वाला है। तो भाई चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको जो अनलिमिटेड कस्टम कार्ड को कैसे बनाना है, कौन सा सेटिंग रखना है, कैसे आप लोग कस्टम बनाओगे, ठीक है। तो मैं वीडियो को देखते रहना है, एंड मैं इसी के साथ चलो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। शुरू से पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो मेरे वीडियो को फटाफट लाइक कर देना, और मेरे भाई लोग चैनल पे नए आए हो तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड के साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो गाइस कस्टम बनाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, फिर आपको कस्टम पे आना है, फिर यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे कस्टम नाम जो भी मतलब रूम नाम होता है गाइस, अगर आप लोग जो भी नाम रखना चाहते हो यहाँ पे रख सकते हो। और गाइस आपको यहाँ पे पासवर्ड लगाना बिल्कुल जरूरी है, अगर आप लोग पासवर्ड नहीं लगाओगे तो यहाँ पे कोई बंदा आप लोगों को कस्टम में चलाएगा, जिससे आप लोगों का बहुत दिक्कत होने वाला है, इसीलिए आप लोग यहाँ पे पासवर्ड लगा देना, ठीक है। उसके बाद जिससे अगर आप लोग यहाँ पे नीचे देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे मैप दिया हुआ है, मतलब गाइस ये है क्या, तो मैं बता दूँ, अगर आप लोग जो बरमूडा में कस्टम खेलना चाहते हो तो बरमूडा पे टिक करना, अगर प्रगेटी में खेलना चाहते हो तो प्रगेटी में करना, बरमूडा रिमास्टर में करना, तो गाइस आप लोग जो भी मैप में खेलना चाहते हो सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। लेकिन गाइस ज़्यादातर जो कस्टम होता है यहाँ पे बरमूडा में होता है, तो आपको सिंपली बरमूडा में रखना है। और यहाँ पे नीचे दिया है टीम मोड, मतलब आप लोग डुओ खेलना चाहते हो या स्क्वाड खेलना चाहते हो या 6v6 खेलना चाहते हो, तो वही अगर आप लोग स्क्वाड खेलना चाहते हो सिंपली स्क्वाड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे गेम पे आना, ठीक है। यहाँ पे जो मेन सेटिंग होता है गाइस यही पे होता है, और गाइस आप लोग यहीं से अनलिमिटेड कस्टम कार्ड को कर पाते हो। और सबसे पहले स्टोर यहाँ पे कम्पिटेटिव रखना है, उसके बाद आपको यहाँ पे राउंड्स को 13 करना है, फिर आपको यहाँ पे डिफॉल्ट क्वाइन है जिसको 1500 करना है, फिर आपको यहाँ पे जो लिमिटेड एमओ है गाइस इसको नो करना है। जैसे अगर आप लोग इसको नो करोगे तो गाइस इसके बाद क्या होगा, आप लोग जो है गेम के अंदर जाके अनलिमिटेड वॉल लगा पाओगे, अनलिमिटेड गोली मार पाओगे, ठीक है। तो आपको इसको नो पे जरूर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो करेक्टर स्किल होता है, अगर आप लोग चाहते हो कि ऑफ कर दो तो इसको नो पे क्लिक करना है, अगर आप लोग चाहते हो कि करेक्टर स्किल रहे तो आपको सिंपली यहाँ पे इसको यस पे क्लिक कर देना है, मतलब काफी सिंपल इसका सेटिंग है। उसके बाद आपको इसमें ज्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे 2 ही सेटिंग करना है, मतलब गाइस आप लोग यहाँ पे मतलब यहाँ पर राउंड्स को 13 कर लेना है, यहाँ पे डिफॉल्ट क्वाइन 1500 कर लेना, फिर लिमिट एमो को नो करना है, फिर आपको कैरेक्टर स्किल अगर रखना चाहते हो तो यस, अगर नहीं रखना चाहते तो नो, ठीक है। तो गाइस बस आपको यही सेटिंग करना है, फिर आपको यहाँ पे ऑब्जर्वर पर कहीं पर भी कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करना है गाइस आपको कॉन्फर्म पे क्लिक करना है। जैसे करोगे तो देखो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो अनलिमिटेड कस्टम कार्ड है वो यहाँ पे यूज हो रहा है। जैसे देखोगे यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है अनलिमिटेड रूम, देख लो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है अनलिमिटेड रूम कैन बी क्रिएट विद इन द टाइम लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली कॉन्फर्म पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कस्टम बन के रेडी हो गया है। तो गाइस अगर आप लोग खेलना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करना, और गाइस आपको यहाँ पे आ जाना है, फिर जो भी बंदे को खिलाना चाहते हो बस आपको उसको इनवाइट करना है, एंड गाइस जिसे इनवाइट करोगे तो यहाँ पे वो रूम के अंदर चला आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो गाइस कोई नहीं, यहाँ पे मतलब बंदे अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि सारे बंदे यहाँ पे अनलिमिटेड कस्टम कार्ड को लेकर खेल लिया, एकदम मन भर खेल लिया, ठीक है। तो गाइस अगर आप लोग अगर ले लियो तो गाइस कमेंट में जरूर बताना, अगर आप लोग क्लेम नहीं किए तो गाइस आप लोग मतलब अभी जाकर क्लेम कर लेना, ठीक है। तो गाइस ये भी बताना आप अभी जो आप लोग क्लेम किए हो या क्लेम नहीं किए हो, ठीक है। तो जो गाइस यहाँ पे एक बंदे आ चुका है, तो इसको मतलब एक साइड मतलब मैं इधर ही आ जाता हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ अनलिमिटेड यहाँ पे एमओ हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे चलो मैं फटाक से यहाँ पे स्टार्ट कर दिया,
और गाइस जैसे कि यहाँ पे गेम स्टार्ट हो गया, तो मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे गेम को स्टार्ट किया हूँ कि यहाँ पे अनलिमिटेड एमओ हुआ है या नहीं हुआ है, कैसा हुआ है, कस्टम कैसा बना हुआ है, क्योंकि आप लोगों को दिखाना बिल्कुल जरूरी है। तो यहाँ पे चलो यहाँ पे गुलवल को खरीदता हूँ, उसी के साथ में यहाँ पे डीजर्ड एगल जो गन होता है उसको भी ले लेता हूँ। ठीक है गाइस, यहाँ पे गुलवल होगा, यहाँ पे डीजर्ड एगल गन जो है गाइस जिसको मैं खरीद लिया हूँ। बस यहाँ पे अनलिमिटेड जैसे ये रेड जोन हटता है तो उसके बाद मैं यहाँ पे वाल लगा के दिखाता हूँ क्या अनलिमिटेड वाल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो गाइस देख लो यहाँ पे मैं एक वाल करता हूँ और देख लो कितना मतलब यहाँ पे वाल लगा रहा हूँ। तो गाइस गलती से यहाँ पे मतलब एक और बंदे को ऐड कर लिया है, तो 1v2 होने वाला। तो गाइस यहाँ पे मैं मरने वाला हूँ क्योंकि मेरे को खेलने तो आता नहीं सही से। तो देख लो यहाँ पे बंदे मेरे को सीधे हेड ही मारने वाला है। और गाइस मैं वीडियो बना रहा हूँ काफी मतलब अलग पोजीशन से, देख लो गाइस वो बंदे मतलब दो बंदे यार, एक तो छोड़ो दो बंदे यार, मैं तो मार नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं मोबाइल पे खेलता नहीं ज्यादा, मतलब मैं पीसी प्लेयर हूँ। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होने वाला है। यहाँ पे बंदे आया, देखो मुझे मारेगा भाई, मार भी दिया। और ये देखो भाई, अब चलो गाइस इधर ही मैं क्या करता हूँ गाइस, मेरे को मरना नहीं है, मतलब मर ही जाता हूँ यार, एक बार मर के मैं बैक कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे को खेलना भी नहीं। देखो गाइस एक बंदे को वन टाइम मार दिया भाई, गलती से, लिटरली गाइस गलती से मार दिया मैंने, मतलब मैं बैक करने जा रहा था गाइस, यहाँ पे बंदे आया और डैमेज है बॉडी शॉट। और देखते हैं बंदे इधर आजा भाई आजा। अरे भाई भाई मुझे क्यों मार रहा है तू भाई, मैं भी तेरे को मारता हूँ। ये भाई खाया था भाई, 250 लगा इसको भाई, कहाँ पे डैमेज तू रखा है भाई इतना। अरे भाई मतलब कैसे भाई, इसको मैं 250 मारा था। लेकिन गाइस कोई नहीं, चलो मैं इधर ही गेम को बैक कर लेता हूँ। एंड गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करना है। एंड गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।